पापियों और पुण्य आत्मा की यमलोक यात्रा। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, मनुष्य चार प्रकार के पापों से यमलोक में जाते हैं। यमलोक अत्यंत भयदायक और भयंकर है। यहाँ समस्त देहधारियों को विवश होकर जाना पड़ता है। कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो यमलोक में ना जाते हों। किए हुए कर्म का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है, इसका विचार करो। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्य चित्र और दयालु हैं, वे सौम्य मार्ग से यमपुरी के पूर्व द्वार को जाते हैं। जो पापी पाप कर्म परायण तथा दान से रहित हैं, वे भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। मृत्यु लोक से 86,000 योजन की दूरी लांग कर नाना रूप वाले यमलोक की स्थिति है, यह जानना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले लोगों को तो वह नगर निकटवर्ती जान पड़ता है, परंतु भयानक मार्ग से यात्रा करने वाले पापियों को वह बहुत दूर स्थित दिखाई देता है। वहां का मार्ग तो तीखे कांटों से युक्त है, कहीं कंकड़ है, कहीं छोरे के धार वाले तीखे पत्थर, कहीं कीचड़ है। बड़े बड़े पाठकों के अनुसार वहाँ की कठिनाइयों में भारीपन और हल्कापन है। कहीं कहीं यमपुरी में मार्ग लोहे की सुई के समान तीखे डांब फैले हुए हैं। तदंतर यमपुरी के मार्ग की भीषण यात्राओं और कष्टों का वर्णन करके संत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, जिन्होंने कभी दान नहीं दिया वे लोग भी इस प्रकार दुख उठाते हैं और सुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं। जिन्होंने पहले से दान रूपी पाथे राह खर्च ले रखा है, वे सुख पूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस रीति से कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेत रूप पुरी में पहुंच जाते हैं, तब उनके विषय में यमराज को सूचना दी जाती है। उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़ा कर देते हैं। वहां जो शुभ करने वाले लोग होते हैं, उनको यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर पाद्य और अर्ध्य निवेदन करके प्रिय बर्ताव के द्वारा सम्मानित करते हैं और कहते हैं, विदुक्त कर्म करने वाली महान आत्माओं, आप लोग धन्य हैं जिन्हें दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया है। अतः आप लोग दिव्यांगनाओं के भोग से भूषित और तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्ग लोक में जाइए। वहां महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य के क्षीण हो जाने पर जो कुछ थोड़ा सा अशुभ शेष रह जाए, उसे फिर यहाँ आकर भोगिएगा। जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं, वे मानो यमराज के लिए मित्र के समान हैं। वे यमराज को सुखपूर्वक सौम्य धर्मराज के रूप में देखते हैं, किंतु जो क्रूर कर्म करने वाले हैं, वे यमराज के भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ों ने कारण विकराल हो जाता है। नेत्र टेढ़ी, आंखें बोहें से युक्त प्रतीत होती हैं। उनके केश ऊपर को उठे होते हैं, दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी होती है, ओंठ ऊपर की ओर फड़फड़ा रहे होते हैं। उनकी 18 भुजाएं होती हैं, बेकुपित और काले कोयलों के ढेर से दिखाई देते हैं। उनके हाथों में प्रबल प्रकार के शस्त्र अस्त्र उठे रहते हैं। वे सब प्रकार के दंड का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते रहते हैं। बहुत बड़े भैंसे पर आरूढ़ लाल वस्त्र और लाल माला धारण करके बहुत ऊंचे महामेरु के समान दृष्टि गोचर होते हैं। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई देते हैं। उनका शब्द परले काल के मेघ की गर्जना के समान गंभीर होता है। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर को पी रहे हैं, गिरिराज को निगल रहे हैं और मुंह से आग उगल रहे हैं। उनके समीप परले काल की अग्नि के समान प्रभाव वाले मृत्यु देवता खड़े रहते हैं। काजल के समान काले काल देवता और भयानक कृतांत देवता भी रहते हैं। इनके सिवा मारी उग्र महामारी भयंकर काल रात्रि अनेक प्रकार के रोग तथा भांति भांति के भय कुष्ठ मूर्तिमान वो हाथ में शक्ति शूल अंकुश पाश चक्र और खड़ग लिए खड़े रहते हैं। व्रज तुल्य मुख धारण करने वाले रुद्रगण शूर तरकश और धनुष धारण किए वहाँ उपस्थित होते हैं। सभी नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले महान वीर एवं भयंकर हैं। इनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत, जिनकी अंग कांति काले कोयले के समान काली होती है, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए भयंकर जान पड़ते हैं। ऐसे परिवार से घिरे हुए घोर यमराज तथा भीष्म चित्रगुप्त को पापिष्ट प्राणी देखते हैं। यमराज उन पाप कर्मियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्म युक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाते हैं। बोलो हर हर महादेव।